यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य ने किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है जहां की उनका पीएफ कट रहा था या फिर कटा हुआ है कभी भी और उनके पास एक यूएएन अकाउंट नंबर है और आप चेक करना चाहते हैं कि उनका यूएएन अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इसे आप ऑनलाइन किस तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पे टाइप करना है यूएएन। देखिए यहां पे जो वेबसाइट देखने को मिल रही है यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.gov.in, आपको इस वाले वेबसाइट पे चले जाना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो वेबसाइट है ओपन होकर के आ चुकी है। हालांकि ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन में सेम टू सेम कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फॉरगेट पासवर्ड। देखिए अगर आपका यूएन एक्टिवेट है और आपके पास पासवर्ड पहले से है तो इस केस में आपको यहाँ पे यूएएन नंबर एंटर करना होता है, पासवर्ड एंटर करना होता है, ये कैप्चा जो देखने को मिल रहा है कैप्चा एंटर करना होता है और साइन इन कर लेना होता है। इसके बाद से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि आपको अभी पता ही नहीं है कि एक्टिव है या नहीं है तो इस केस में आपको इस वाले ऑप्शन पे ही सेलेक्ट कर लेना है, फॉरगेट पासवर्ड वाले पे, और उसके बाद से अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर एंटर कर लेना है। ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट कर देना है। जैसा कि यहाँ पे हमने डिटेल्स एंटर कर लिया है, उसके बाद से यहाँ पे जैसे हम सबमिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। देखिये सबसे पहले तो आपको एक क्रॉस मार्क देखने को मिलेगा और यहाँ देखने को मिलेगा कि यूएएन इज नॉट एक्टिव। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके केस में भी अगर यूएएन अभी तक एक्टिव नहीं है ना तो कुछ इस तरीके से मैसेज देखने को मिल जाएगा और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आपको नहीं पता कि यूएएन एक्टिवेट करने से क्या बेनिफिट होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने यूएएन को एक्टिव नहीं करते हैं तो आप अपने यूएएन अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे, पासवर्ड नहीं बना पाएंगे और उसके बाद से लॉगिन करने के बाद आप अपने पोर्टल से केवाईसी ऐड नहीं कर सकते, यानी कि बैंक लिंक नहीं कर सकते हैं और अगर कोई करेक्शन है तो करेक्शन रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। पैसा एडवांस निकालना हो या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना हो या पेंशन का पैसा निकालना हो, ये पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफी सारे काम होते हैं जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूएएन अकाउंट को एक्टिव करते हैं उसके बाद ही ये सारे काम आप कर पाएंगे। देखिए अगर यूएएन एक्टिव करने का प्रोसेस अभी तक आपको नहीं पता ना तो आपको मैं आई आइकन पे वीडियो का लिंक दे रहा हूं जो कि हमने पहले से रिकॉर्ड किया है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको एक्टिव करना है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आपके पास एरर भी देखने को मिलेगा ना तो उसके साथ साथ हमने समाधान भी बताया है, उस वीडियो में सोल्यूशन भी बताया है, वो वीडियो आप एक बार देखेंगे तो आपका जो यूएन है वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएगा पूरा प्रोसेस अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं उसके बाद से। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी सहायता मिली हो ना तो आप अपने दोस्त मित्रों की भी सहायता कर सकते हैं। फ्री आप पोस्ट इस वीडियो को उन तक आप शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचा सकते हैं जिससे कि उनकी भी सहायता हो पाए, वो भी अपने यूएन का अकाउंट का स्टेटस चेक कर पाए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।